हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आप सभी का टैगोर कोचिंग के चैनल पर फिर से एक बार दोबारा आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग एनडीए के लिए वकैब का स्पेशल क्लास चला रहे हैं, और इसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जो क्लास है और जो वर्ड्स है, ये सिर्फ आपको एनडीए में ही काम नहीं करेगा। वर्ड्स का कोई फिक्स नहीं होता, जो सिर्फ एनडीए है तो एनडीए में ही काम करेगा। आप किसी और एग्जाम को भी दे रहे हैं, एयरफोर्स का दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, किसी का भी दे रहे हैं, तो आपको ये बहुत काम देंगे। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन वर्ड्स पर ध्यान रखना है। तो इसी सीरीज में चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं फोर्थ क्लास सिनोनिम्स का। द फर्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन फॉर यू इज स्कार्सली। स्कार्सली फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है ऑफन, बार बार। फ्रीक्वेंटली क्या है? ऑफन, बार बार, अक्सर, प्राय। समटाइम्स कभी कभी, इसके दूसरा कभी कभी इडियम आता है, एट टाइम्स मतलब होता है कभी कभी, एट टाइम्स कभी कभी, ऑलवेज होता ही आपको हमेशा, ऑलवेज के लिए एक सदा के लिए एक इडियम आता है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉर गुड, हमेशा के लिए। जैसे कहा ही हैज लेफ्ट द सिटी फॉर गुड, मतलब यानी कि भलाई के लिए, अच्छे के लिए, हमेशा के लिए, इस इडियम का ध्यान रखना है। हार्डली, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, शायद ही, कभी कभार। तो हार्डली के लिए जो कुछ एडवर्ब और यूज होते हैं उसका ध्यान रखना है आपको, वो क्या है, जैसे रेयरली या फिर सेल्डम। और एक एडवर्ब में कई बार जो क्वेश्चन में पूछ चुका कई बार, वो है सेल्डम, इफ, एवर, और सेल्डम और नेवर। ये वर्ड अगर एसएससी वगैरह के एग्जाम में या एनडीए के एग्जाम में भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूं वहां पर, तो ये कई बार एरर में पूछा है। इफ के साथ क्या है? एवर है, और के साथ क्या है? नेवर है। एग्जाम में क्या करेगा? इफ के साथ नेवर का इस्तेमाल कर देगा और के साथ एवर का इस्तेमाल कर देगा। तो ये जो वर्ड है रेयरली, सेल्डम, सेल्डम इफ एवर, एंड सेल्डम और नेवर, या हार्डली, ये सब का मतलब, इन सारे वर्ड्स का मतलब है ना के बराबर, शायद ही, ना के बराबर, शायद ही, या कभी कभी कहते हैं इसको कभी कभार। ये सारे नेगेटिव वर्ड है। स्कार्सली का भी यही मीनिंग है, इसका मतलब, इसका जो ऑप्शन है वो है पहला ऑप्शन, हार्डली, ना के बराबर, शायद ही, कभी कभार। द नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन फॉर यू, काउंटरफिट। काउंटरफिट, फॉरेन, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, बाहरी, इसके लिए दूसरा वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, एलियन या आउटलैंडिश, बाहरी, दूसरे दुनिया का, विचित्र, अजनबी, ये भी कह सकते हैं। फेक, फेक का मतलब होता है नकली, जाली, नकली या जाली, फेक, फेक नोट आपने सुना होगा, डुप्लीकेट, जो किसी का फोटोकॉपी बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, डुप्लीकेट, फोटोकॉपी, किसी का जो फोटोकॉपी बनाते हैं वो डुप्लीकेट। इमिटेट, इमिटेट क्या है, कॉपी, नकल करना, कॉपी, नोटबुक को हम लोग में बहुतों को आदत होती है कि नोटबुक को हम कहते हैं कॉपी लेके बैठ जाओ, वो कॉपी लेके बैठ जाओ, नोटबुक और पेन लेके बैठना होता, कॉपी लेके बैठना नहीं होता, कॉपी का मतलब तो नकल, इमिटेट। तो कॉपी का एक तो नकल करना ये है, दूसरा नकल करने के लिए वर्ड होता है एप, एपीएप, वैसे एप का मतलब लंगूर है, बंदर की प्रजाति जो है, लेकिन एप जब वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है इमिटेट, कॉपी करना, नकल करना, इसका ध्यान रखना, कई बार पूछ रखा है। तो काउंटरफिट, काउंटरफिट, काउंटरफिट का मतलब होता है नकली, जाली। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा काउंटरफिट का, सी, फेक, नकली, जाली, नकली या जाली, मतलब जो होना चाहिए उससे उसके उसी के जैसा नकली बनाया जो ओरिजिनल नहीं है। डेज्ड, डेज्ड, टायर्ड, इस वर्ड को मैंने पहले भी लिखा है फिर भी लिखा रहा हूं, टायर्ड का मतलब क्या है, वियरी, थका हुआ, फैटिग्ड लिखवा रखा है, ये आया इससे पहले, इसका मतलब ये वर्ड कई बार यूज, उसका ध्यान रखना है। हैप्पी डे, खुशहाली के दिन, ड्रीमी, इमेजिनेटिव, सपना में, कल्पना की दुनिया में, ड्रीमी, सपने की दुनिया में। अनसॉक्ड, सॉक्ड का मतलब
सदमा में, सॉक्ट वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है यहां पर, सॉक्ट सदमे में। वर्ड है डेज्ड, तो डेज्ड का मतलब होता है चकाचौंध, डेज मतलब होता है काफी जो रोशनी किसी पे पड़ती है, डेजल डेज्ड चकाचौंध में। तो चकाचौंध के हिसाब से अगर हम देखें तो फिर एकदम तो भैया भौका भौ चक्का रह जाना, डेज्ड मतलब हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, इतनी ज्यादा रोशनी हो गई, प्रकाश हो गया कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, भौचक्का रह गए, हक्का बक्का रह गए, डेज्ड। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो फिर इसमें जो नियरेस्ट मीनिंग आ रहा है, नियरेस्ट वो आ रहा है सॉक्ट, क्या आ रहा है सॉक्ट। तो सॉक्ट में भी यही होता है, सदमा भी जब हमें लगता है, अच्छी बात का भी सदमा लगता है, बहुत खुशी की बात होती है तभी भी हार्ट अटैक आता है ना, तो इसलिए सदमे की बात होती है तो अच्छी बातों से भी सदमा लग सकता है, बुरी बातों से भी लगता है, ये नहीं कि सदमा है तो बुरी बातों से भी लगेगा, बहुत अच्छी खबर से भी, कुछ लोग खुशी से हंसते हंसते भी मर सकते हैं, है ना। तो डेज्ड मतलब शॉक्ड, डेज्ड शॉक्ड। नेक्स्ट वर्ड डिसडेन, डिसडेन, डिस तो इसमें भी है लेकिन ये ऑन के साथ है, तो डिस का मतलब नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑन का मतलब किसी का मालिक होना, तो डिसऑन का मतलब किसी को त्याग देना, छोड़ देना, डिसऑन का मतलब किसी को त्याग देना, छोड़ देना, डिसऑन। तो डिसऑन के लिए दूसरा वर्ड हम क्या लिख सकते हैं, फोरसेक, फोरसेक का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना, या मतलब रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब भी क्या है, त्याग देना, छोड़ देना, लीव का मतलब भी होता है त्याग देना, छोड़ देना। फ्रेजर वर्ब का इस्तेमाल करें, गिव अप, इसका मतलब भी क्या है, त्याग देना, छोड़ देना, छोड़ना, त्यागना, रिनाउंस। एब्डिकेट, किसी पद वगैरह को छोड़ते तो क्या है, एब्डिकेट, कसम खाकर सौगंध लेकर किसी पद को छोड़ दिया, ये भी क्या है, एब्डिकेट, त्यागना या छोड़ना। और भी वर्ड है, अभी पिछ जगह कम पड़ेगी, दूसरे वर्ड भी, कंडेम, कंडेम और क्रिटिसाइज क्या है, सेम जैसा है, निंदा करने से पहले भी आता है, डिट्राइब निंदा करना, किसी किसी के अवगुण की बात करना, निंदा करना, डिसडेन या क्रिटिसाइज। हेट, हेट का मतलब क्या, नफरत करना, तो हेट के लिए जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग कई बार, एबहोर या डिटेस्ट, क्या नफरत करना, घृणा करना, या फिर हम कहते हैं कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब भी क्या, नफरत करना, घृणा करना, कंटेम्प्ट, एबहोर। तो डिसडेन का मतलब पता होगा तभी तो डिसडेन का मतलब भी होता है नफरत करना, घृणा करना, नफरत करना, घृणा करना, तो इसलिए यहां से जो मीनिंग निकलेगा डिस्टेंस का वो क्या होगा, सीख के करीब है, तो हेट नफरत करना, घृणा करना, किसी से नफरत करना या फिर घृणा करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड के लिए तैयार है सभी, नेक्स्ट वर्ड के लिए ओके। तो ध्यान इस बात का रखना कि आप सिर्फ अकेले के क्लास ना देखें, कोई भी एग्जाम की अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई ऐसा स्टूडेंट है तो किसी और एग्जाम की भी तैयारी करता है, जहाँ एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, आप उनको भी इस क्लास का के बारे में बताएं, उनको भी क्लास को शेयर करें, इस क्लास का लिंक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीचिंग, बीबीचिंग इन स्नेयर का मतलब होता है जाल में फंसाने वाला, जाल में उलझा देना, फंसा देना, ट्रैप, ट्रैप। अफेक्टेड प्रभावित, अफेक्ट के लिए हम लोग इम्पैक्ट भी लिखते हैं, इम्पैक्ट का मतलब भी क्या होता है, प्रभाव डालना, प्रभावित होना, या इन्फ्लुएंस भी लिखते हैं, इन्फ्लुएंस प्रभाव डालना किसी पर, इंपैक्ट या इन्फ्लुएंस प्रभाव। मैजिकल, मैजिकल आपको पता है, मैजिकल जादुई, मैजिक से बना है, नॉर्मल सा वर्ड है मैजिकल, जादुई। इंचैंटिंग, इंचैंट का मतलब होता है जादू डालना, मोह लेना, तो इंचैंट के लिए हम दूसरा वर्ड लिखते हैं कई बार, टेम्प्ट, टेम्प्ट का मतलब भी क्या होता है, जादू डालना, जादू डालना। एक वर्ड और सकता है इसका, फैसिनेट, फैसिनेट का मतलब भी क्या होता है, जादू डालना, मोहित कर लेना, अपने बस में कर लेना, जैसे कहते हैं ना कभी कभी नई नई शादी होती है तो बच्चे कभी कभी लड़के जो है पत्नी के आगे पीछे ज्यादा घूमते, तो मम्मी पता नहीं कौन सी मिट्टी खिला दिया है, कौन सा जादू किया है इस पर, तो ये जब कौन सा जादू किया है, पता नहीं किस चीज की मिट्टी खिला रखी है, क्या कर दिया है, तो किसी को जब अपने वश में ले लेते हैं, मोहित कर लेते हैं, वो आपके इशारों पर ही नाचते रहते हैं, इसको कहते हैं फैसिनेट, इंचेंट। इसके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं हम लोग, कास्ट आई स्पेल ऑन, किसी पर जादू डालना, कास्ट स्पेल ऑन, किसी पर जादू डालना, किसी को मोह लाना, किसी को अपने बस में कर लेना। तो अब वर्ड है हमारे पास बीविचिंग, हालांकि इसमें विच है, और विच क्या करती है आपको पता ही है,
विच पता नहीं जादूगर नहीं चुड़ैल विच, तो विविचिंग इसका मतलब ही होता है जादू डालने वाला, मोह लेने वाला, अपने वश में कर देने वाला, चुड़ैल भी यही कर दिया, विच भी यही कर दिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 50 का, एंचेंटिंग मोहित करने वाला, जादू डालने वाला। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन फॉर यू, रैपेसिटी। रैपेसिटी इससे मिलता जुलता कुछ वर्ड आपके दिमाग में आता होगा, उधर नहीं जाना, उससे कोई मतलब नहीं है। एंगर, एंगर का मतलब क्या, क्रोध, गुस्सा, एंगर क्रोध। इस गुस्से के लिए एक वर्ड प्यारा सा वर्ड है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, लोग उस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या एक वर्ड है ये रिसेंट, और इसका एक भाई भी है जो कुंभ में खो गया था, अभी तक मिला नहीं है, मैं उसको ढूंढ के लाया हूं आपके लिए। ये रिसेंट, ये आपको कई बार मिला होगा रिसेंट ये। अब देखिए दोनों का स्पेलिंग कितना पास, उच्चारण कितना पास पास है, होमोनिम्स पैरोनिम्स की तरह, तो रिसेंट है भी, तो रिसेंट अगर ये RECENT रिसेंट है, इसका मतलब हाल फिलहाल का, अभी अभी का, और RESENT रिसेंट इसका मतलब है गुस्सा, क्रोध, गुस्सा करना, क्रोध करना। तो एंगर का सिनोनिम्स रिसेंट या रिसेंटमेंट भी मिलेगा आपको, तो उस पर ध्यान रखना है। क्रूएल्टी आपको पता है, निष्ठुरता, कैलसनेस, निष्ठुर के लिए वर्ड किए जो वर्ड है कई बार आ चुका, कैलस, तो कैलसनेस मतलब क्या, निष्ठुरता, कैलस होता है निष्ठुर, निष्ठुर जो निर्दयी हो, कैलस। हार्टलेस भी कहते हैं कैलस को, हार्टलेस का मतलब क्या, जिसका दिल ही ना हो। कई बार जो क्रूएल व्यक्ति होता है, निर्दयी, उसको हम लोग डॉग हार्टेड भी कहते हैं, डॉग हार्टेड, निर्दयी, पत्थर दिल, डॉग हार्टेड, डॉग हार्टेड। या फिर कहते हैं स्टोन हार्टेड भी, स्टोन हार्टेड का मतलब भी क्या है, पत्थर दिल, निर्मम, निर्मम पत्थर दिल। तो कैलस, डॉग हार्टेडनेस या डॉग हार्टेड, और ये हार्टेडनेस इसके साथ है, ध्यान रखना है इसमें कहीं इधर उधर ना हो जाए, ये तो हार्टलेस है, हार्टलेस, डॉग हार्टेडनेस और स्टोन हार्टेड, निर्मल, निर्मम, निर्दयी, उसी का नाउन बना निर्दयता, निर्ममता। प्राइड, प्राइड का मतलब क्या, घमंड, घमंड। तो प्राइड, अहंकार या घमंड कहते हैं, कभी कभी प्राइड के लिए नेगेटिव वर्ड में अगर जाए तो इसके लिए क्या होता है, एरोगेंस, घमंड, अहंकार, और पॉजिटिव वर्ड में रखे तो मॉडेस्टी भी आता है, मॉडेस्टी का मतलब भी सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत। ग्री, वैसे नॉर्मली ग्री वर्ड बहुत कम मिलता है, ये ग्री वर्ड बहुत ओल्ड है, प्राचीन है, लेकिन ग्री का इस्तेमाल कई बार हम सुपेरिटी, सुपेरिटी वरीयता, कोई बेहतर है, सुपेरियर है, तो उसके लिए भी करते हैं, और कई बार ये ग्रीड जो लालच होता है उसके लिए भी आता है ग्री वर्ड का। तो रैपेसिटी का हमने देखा, तो रैपेसिटी का मतलब होता है लालच, तो इस हिसाब से ग्री का इस्तेमाल जो है, ग्री या ये वर्ड टोटल होना चाहिए था, ऑप्शन में होना चाहिए था ग्रीड, लेकिन बुक में ही ऐसा है इसलिए मैं इसको ऐसा ही रख रहा हूं, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए था ग्रीड, लालच, ग्रीड होना चाहिए था, ग्रीड, ग्री वर्ड भी है, लालच के लिए ग्री भी इस्तेमाल होता है, और ग्री का इस्तेमाल सुपरिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो ग्री वर्ड भी वर्क कर जाता है, ग्रीड नहीं है तो ग्री से भी काम चल जाता है। तो रैपेसिटी मतलब लालच, लोभ। नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन, एब्सर्ड, ये वर्ड मैंने पहले भी चर्चा किया, आपको याद होगा, ध्यान होगा, हम लोग कर चुके हैं। एब्सर्ड मतलब क्या होता है, बेतुका, जो किसी काम का ना हो, बेतुका, फिजूल का, एब्सर्ड। तो सेंसलेस, इसका मतलब सीधा यही ऑप्शन होगा, एब्सर्ड का पहला ही ऑप्शन यही है, सेंसलेस, जिसमें कोई यूज ना हो, बेकार, बेकार का। और भी वर्ड को देख लेते हैं, क्लीन, क्लीन का मतलब क्या, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, क्लीन। एब्रप्ट, एब्रप्ट के दो मतलब होते हैं, दोनों का ध्यान रखना है, एब्रप्ट के दो मतलब है, दोनों का ध्यान रखना है। एब्रप्ट का कई बार मतलब होता है सडन, अचानक, बीच में बोल पड़े, जैसे ही स्पॉक एब्रप्टली, यानी कोई बोल रहा है बीच में टप से कोई बोल गया, इसको क्या कहते हैं, एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब अचानक। एब्रप्ट का दूसरा मतलब होता है जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स, तो उसमें आप देखेंगे कई बार माउंटेन्स के जो स्लोप होते हैं वो स्लैंट, यानी तिरछा नहीं होते, वो लगभग वर्टिकल होते हैं, तो जब जो माउंटेन है वो वर्टिकल एकदम स्टैंडिंग पोजिशन जैसा लगे, वर्टिकल जैसा लगे, स्लैंट कम से कम हो, तो उसको हम कहते हैं एब्रप्ट माउंटेन्स, ठीक है, जिसमें कि स्लैंट कम हो, झुकाव या तिरछा होना उसका कम हो, वर्टिकल ज्यादा हो, तो उसको हम कहेंगे एब्रप्ट माउंटेन्स। जैसे
राजस्थान के कई इलाकों में आपको एब्रप्ट माउंटेन्स ही मिलेंगे आसपास में। कैंडिड, कैंडिड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है निश्चल, निष्कपट। तो निश्चल, निष्कपट, मासूम, निर्दोष। तो कई प्यारे प्यारे हिंदी में भी इसके वर्ड है। तो कैंडिड के लिए जो दूसरा वर्ड हम इंग्लिश में देखें तो वो कई बार कैंडिड के लिए आता है फ्रैंक, कई बार कैंडिड के लिए हम लोग लिख सकते हैं गाइललेस, निश्चल, निष्कपट, और कई बार निश्चल निष्कपट के लिए हम लोग ये भी लिखते हैं इनोकुअस। इन सारे वर्ड का ध्यान रखिएगा, ये सारे वर्ड पूछे हुए हैं। इनोकुअस तो कई बार स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है। ये सब निश्चल, मासूम, निष्कपट, जिसमें कोई छल ना हो, उसको कहते हैं कैंडिड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चले। द नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन इज फिलैंथ्रोपी। फिलैन, फिलैन तो वैसे होता है लव करने वाला। तो इसमें सारे वर्ड देखें। जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है? उदारता, उदार। जैसे अभी कैलस आया तो उसका अपोजिट होगा लिबरल। तो जेनरोसिटी अगर है इसका अपोजिट, इसका सिनोनिम क्या होता है? लिबरल, उदारता। लिबरल मतलब जो उदार होता है। या लीनियंट, क्या होता है? लीनियंट, इसी से बन जाएगा लीनियंसी। जेनरोसिटी का नाउन हो जाएगा लीनियंसी, उदारता। क्या कहना चाह रहे हैं? उदारता। या उदार के लिए हम लोग ग्रेसस वर्ड का बहुत यूज करते हैं। ग्रेसस, ग्रेसस होता है उदार, ग्रेसस जो उदार है। कई बार पूछा ग्रेसस और ग्रेसफुल का ध्यान रखना है। ग्रेसस का मतलब होता है उदार और ग्रेसफुल का मतलब होता है सुंदर। ये एक बार सीपीओ में क्वेश्चन पूछ चुका है, दूसरे एग्जाम एसएससी में ये पूछा था क्वेश्चन इस वर्ड से कि गर्ल मस्ट बी ग्रेसफुल इफ ही वांट्स, ग्रेसस इफ शी वांट्स टू बिकम अ बैलरीना। अ गर्ल मस्ट बी ग्रेसस इफ शी वांट्स टू बी अ बैलरीना। अब देखिए क्या गड़बड़ हुआ। बैलरीना का मतलब था डांसर। तो किसी को अगर डांसर बनना तो ग्रेसस होना चाहिए कि ग्रेसफुल होना चाहिए? तो ग्रेसफुल का मतलब है सुंदर और ग्रेसस का मतलब होता है उदार। तो वर्ड ऐसे भी इधर, इसको हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कहते, ये मिसयूज ऑफ वर्ड्स है। तो ग्रेसस का मतलब क्या? उदारता। परवर्सिटी, परवर्सिटी का मतलब था कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्रारी। जो होना चाहिए उसका अगर कोई अपोजिट है, जो होना चाहिए उसका अपोजिट, तो जो होना चाहिए उसका अगर अपोजिट है, कॉन्ट्रारी है उसके, तो इसको हम कहते हैं परवर्सिटी या कॉन्ट्रारी। कोई चीज जो है उसका अपोजिट, कॉन्ट्रारी, ठीक है। तो जानना चाहिए जैसे हम किसी कहते हैं चीनी है, तो अगर चाय में हम को चीनी डाल रहा, चीनी, तो चीनी डालने के बजाय अगर हम उसमें नमक डाल देते हैं, कॉन्ट्रारी करना ही हुआ ना। दोस्त को बुलाना था, दोस्त को बुलाने के जाए हम क्या करें? दुश्मन को बुला ले, ये कॉन्ट्रारी हुआ। तो जो करना चाहिए उसके अपोजिट करना, कॉन्ट्रारी, तो वो क्या है? परवर्सिटी। होना जो चाहिए उसका, जो ट्रेडिशन, उसके अपोजिट किया काम आपने, तो कॉन्ट्रारी है। सी ओ एन टी आर ए आर वाई, कॉन्ट्रारी। वैसे मैंने इसको मिटा दिया था, मिटाने की जरूरत नहीं थी, मुझे लगा ये जब टच कर रहा था। परजरी, परजरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परजरी आप कई बार सुनेंगे और ये वन वर्ड ऑप्शन में कई बार पूछा जाता है। परजरी, परजरी का मतलब जैसे फिल्मों में देखा होगा आपने, कोर्ट कचहरी में देखा होगा, मैं कोई कुरान की तो कोई गीता की, कोई रामचरितमानस की, कोर्ट में कसम खाता है, गीता पर रखकर कसम खाता हूँ, बाइबल पर रखकर कसम खाता हूँ, कुरान पर रखकर कसम, जो अलग अलग मजहब के रहे तो अलग अलग। तो ओथ लेने के बाद, कसम खाने के बाद, कसम खाकर अगर आप झूठ बोलते हैं, ओथ के बावजूद भी, ओथ लेने के बाद भी, कसम लेने के बाद भी, ओथ का मतलब क्या? कसम। कसम खाकर जो झूठ बोलना होता है वो होता है परजरी। कसम खाकर झूठ बोला, कसम खाने के बाद झूठ बोला, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट ये पहले आया मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे ध्यान रखना, किसी क्लास में मैंने डिस्कस किया। तो फ्लॉन्ट का मतलब होता है डिस्प्ले, डेमोन्स्ट्रेट, दिखाना, किसी को शो ऑफ करना, शो ऑफ करना। डेमोन्स्ट्रेट भी कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब भी क्या है? दिखाना, प्रदर्शन करना, डिस्प्ले करना, शो ऑफ करना, डेमोन्स्ट्रेट करना। तो ये हुआ दिखाना। तो अब फिलेंथ्रोपी का मीनिंग देखें। फिलेन का मतलब पहले ही बताया मैंने, लव से रिलेटेड है। तो फिलेंथ्रोपी हो गया किसी को प्यार करना, किसी को रिस्पेक्ट करना। तो फिलेंथ्रोपी हो गया मानवतावाद, लगाव, प्यार से संबंधित। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? उदारता, किसी के प्रति
उदारता, अच्छा भाव, प्यार का भाव, स्नेह का भाव। तो आंसर क्या होना चाहिए? जेनरोसिटी, उदारता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इनस्क्रुटेबल। स्क्रुटेबल का मतलब होता है स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं, स्क्रूटनी चलता होता है, स्क्रूटनाइज। इन लगा दिया तो मतलब नेगेटिव हो गया, इनस्क्रुटेबल जिसकी जांच पड़ताल नहीं कर सकते। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिस्टीरियस। मिस्टीरियस क्या होता है? रहस्यमयी, जिसको हम जान नहीं सकते, जिसमें जाल बुना हुआ। और इसके ऑप्शंस को भी देखते हैं, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, विचित्र। तो इसके हिसाब से अगर इसका हम सिनोनिम्स देखें तो वेयर्ड, विचित्र, अजीब। या इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? कई बार एलियन, एलियन का मतलब भी क्या है? विचित्र, अजीब। या कई बार लिखते हैं आउट्रे, आउट्रे का मतलब क्या है? विचित्र या अजीब। कई बार लिखते हैं ईयरी, ईयरी का मतलब भी क्या है? विचित्र या अजीब। कई बार आपको वर्ड मिलेगा ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का मतलब भी क्या होता है? विचित्र या अजीब। अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले आउटलैंडिस, आउटलैंडिस का मतलब भी क्या है? विचित्र या अजीब या बाहरी। ये सारे वर्ड और भी अननेचुरल डाल सकते हैं, बिजार डाल सकते हैं, बिजार कई बार आ चुका है, बिजार वर्ड। तो एरी, वेयर्ड, एलियन, आउटरे, ग्रोटेस्क, आउटलैंडिस, बिजार, ये सारे के सारे वर्ड क्या है? विचित्र या अजनबी, अनफैमिलियर। मार्वेलस, स्प्लेंडेड, शानदार, बेहतरीन, मार्वेलस, शानदार। सबलाइम, उच्च, हाई, टॉप लेवल के, विशिष्ट, अच्छे, टॉप जो है उसको कहते हैं सबलाइम। तो इनस्क्रुटेबल का जो सिनोनिम्स हो गया वो हो गया आपका मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब क्या हो गया? रहस्यमय। इनस्क्रुटेबल का मतलब भी है जिसको हम समझ नहीं सकते, स्क्रूटनी नहीं कर सकते, जान नहीं सकते। नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन, ओहो ये तो हमारे कोचिंग है। आप सभी जानते हैं कि टैगोर कोचिंग राजस्थान का नहीं, भारत का भी डिफेंस के लिए सबसे जाना पहचाना नाम है, सबसे भरोसे का नाम है। ये वो जगह है जहां अगर आप एक बार आए तो यहां से सिर्फ और सिर्फ सफल होके ही जा सकते हैं। असफलता यहां कहीं, यहां डिक्शनरी में नहीं, ऐसा शब्द ही नहीं है। जो एक बार जुड़ गया वो जॉब लेकर गया, छोटी सी उम्र में नौकरी, पक्की सरकारी नौकरी। तो अगर आप में से किसी में भी अगर डिफेंस में जाने का जुनून है तो आप इस नाम के अलावा किसी दूसरे नाम के विषय में सोच भी नहीं सकते, रिस्क लेना हो जाएगा। ये वो जगह है जहां आकर अपने सारे सपनों को आप स्वर्णिम उड़ान दे सकते हैं। तो आप सबको पता है कि टैगोर कोचिंग हमारा कुचामन सिटी में है। तो आप जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं, जो भी आपके अपने हैं जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, उन सबको इस कोचिंग का नाम बताओ और यहां भेजे, और हम सभी आपके लिए अपना 100% एफर्ट लगाने के लिए यहां पर तैयार बैठे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये भी हमारे बच्चे पढ़ते हो बच्चे, और आपके पास हमारे पास नेवी के बैच, एक्स ग्रुप के बैच, वाई ग्रुप के बैच, एनडीए के बैच, सारे बैच चल रहे हैं, और एडमिशन आपका कभी भी होता है, कभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एग्जैक्टली अलाइक। एग्जैक्टली मतलब क्या? पूरी तरह से, एकदम हूबहू जैसा। अलाइक मतलब एक जैसा। यूनाइटेड, इकट्ठा। यूनाइटेड क्या? इकट्ठा, एक जगह, गैदर्ड, एक जगह। आइडेंटिकल, सिमिलर, एक जैसा। कंपेरेबल, दैट कैन बी कंपेयर्ड, जिसकी हम तुलना कर सकते हैं। रेगुलर, नियमित। ये वर्ड मुझे नहीं लगता कि डिफिकल्ट है आप लोग, आप तो क्यों उड़ा देंगे, उड़ा ही दीजिए। तो एग्जैक्टली अलाइक का मतलब हू बहू, बिल्कुल एक जैसा। तो आंसर है आइडेंटिकल, है ना। नेक्स्ट ऑन द स्क्रीन म्यूचुअल। ये वर्ड जो है कई बार हमें प्रॉब्लम कर चुका है, करता ही रहता है। म्यूचुअल का कई बार आपको मिलेगा, कॉमन कई लोग इसका करके आते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में म्यूचुअल का कॉमन ही सिनोनिम्स मिलता है, इस बात का ध्यान रखिए। अमेरिकन, और हम लोग जो फॉलो करते हैं वो है ब्रिटिश इंग्लिश। तो रेसिपी, ये जो म्यूचुअल है ये तब वर्ड यूज होता है जब दो वर्ड हो, दो चीज हो, या दो से अधिक भी हो, और जैसी फीलिंग आपके अंदर है वैसी ही सामने, और सामने वाला भी आपके साथ वैसा ही फीलिंग रख रहा है। तो दो से अधिक हो और आपस में एक जैसे रिएक्शन हो, एक्शन रिएक्शन जब हो, उसको कहते हैं म्यूचुअल। और एक होता है कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जो सब जगह है एक जैसा है, वो ये वो बात नहीं करता, ये आपस में
रिएक्शन की बात करता है, ऑपरेशन की बात करता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो एप्रोप्रिएट मीनिंग होना चाहिए वो है रेसिप्रोकल। मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो कि रेसिप्रोकल जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, तो रेसिप्रोकल। एग्रीड मतलब सहमत, कॉमन मतलब समान। कंजुगल, कंजुगल का इस्तेमाल जो है मैरिज से रिलेटेड होता है, वैवाहिक होता है, वैवाहिक संबंध कहते हैं कंजुगल, कंजुगल रिलेशन कहते हैं। इसके लिए कभी कभी वर्ड ये भी होता है, मैरिज के लिए न्यूप्शियल वर्ड भी यूज होता है, इसका भी ध्यान रखना है। तो कंजुगल वर्ड बहुत, कंजुगल लाइफ मतलब होता है वैवाहिक, मैरिड लाइफ को हम लोग दूसरा वर्ड कहते हैं कंजुगल लाइफ। नेक्स्ट इम्बेसाइल, इम्बेसाइल एस्ट्यूट वर्ड मैंने लिखा रखा आपको ध्यान हो तो, कनिंग वर्ड मैंने लिखवा रखा ध्यान हो तो, दोनों के सिनोनिम्स में क्या लिखा है, दोनों वर्ड सिनोनिम्स ही है। इसके एक और लिखवाया था एस्ट्यूट, देखिए पहले वर्ड लिखा हुआ कितना काम आ रहा है, जितने ऑप्शन है पहले से लिख रखा है, एस्ट्यूट लिखवा रखा है, एस्ट्यूट लिखवा रखा है, कनिंग इसका मतलब क्या, चालाक, धूर्त, क्लेवर। ल्यूडिकस, ल्यूडिकस का मतलब होता है हास्यास्पद, कोई ऐसी बात जिसको देखकर सुनकर लोगों को हंसी आए उसको कहते हैं ल्यूडिकस, तो ल्यूडिकस हो गया। स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब बेवकूफ, नॉनसेंस, बेवकूफ। और बेवकूफ अगर बहुत महान किस्म का होता है, अव्वल दर्जे का जो बेवकूफ है उसको एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग ठिक्को, या हम यूज करते हैं एडियम में ये भी गूज कैप, गूज कैप और ठिक्को का मतलब होता है महामूर्ख, गोबर गणेश, एकदम चौपट किस्म का इंसान जो बहुत बड़ा मूर्ख है, एकदम गोबर गणेश है, महामूर्ख है, अति मूर्ख है। तो अति मूर्ख, महामूर्ख, गोबर गणेश को क्या कहते हैं, ठिक्को या गूज कैप, स्टूपिड। इम्बेसाइल का भी मतलब होता है, एक होता है डोसाइल, डोसाइल का मतलब जो किसी चीज को आसानी से सीख ले, और इम्बेसाइल मतलब मत बुद्धि, जिसकी बुद्धि ही काम नहीं करता है, जो कुछ सीख नहीं सकता है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं इम्बेसाइल, यानी स्टूपिड या फूल या फुलिश। तो ऑप्शन क्या होगा, स्टूपिड, फूल, फुलिश। नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन फॉर यू, वेयर्ड, अभी मैंने लिखवाया था, देखिए आ गया, चारक सभी लिखवाया था स्ट्रेंज में। तो वेयर्ड का क्या मतलब हो गया, जो अजीब हो, विचित्र हो। तो इसमें जितने वर्ड मैंने लिखवाया था, एक दो वर्ड छोड़ दिया था मैंने, जो नेचुरल है, आसान सा वर्ड था, वही पूछ लिया। देख लो किधर गया, किधर गया, किधर गया, यह वेयर्ड, एरी, एलियन, आउटरे, ग्रोटेस्क, आउटलैंडिश, और मैंने सब बोलने में बोला था, अननेचुरल भी बोला था। तो इसमें आसान सा वर्ड पूछ लिया आपके पास, क्या, वेयर्ड। तो बीस्टली, बीस्ट का मतलब क्या होता है, जानवर। तो बीस्टली का मतलब जानवर जैसा, बीस्टली। अनप्लीजेंट मजेदार जो ना हो, नॉट प्लीजेंट, नॉट एग्रीइंग। फ्राइटेनिंग मतलब स्केयरिंग, डरावना। फ्राइटेनिंग क्या है, स्केयर करने वाला, स्केयरिंग, डरावने वाला। ऑफुल, ऑफुल भी ले सकते हैं, डरावना, ऑसम भी लिखते हैं, ऑसम कभी कभी बेहतर के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। अननेचुरल मीन्स नॉट नेचुरल, इसका मतलब वेयर्ड क्या हो गया, अप्राकृतिक, नॉट नेचुरल, अजीब, विचित्र, नॉर्मल से डिफरेंट, आउटलैंडिश कर रहे थे वही, वेयर्ड। नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन, एवरिसस, एवरिसस। विकेड क्या है, दुष्ट, डेविल, विकेड, मेलाइन, मेलाइसिस, जो दूसरे के लिए अच्छा व्यवहार। एंग्री, आपने देखा रिसेंटमेंट आ गया है। जेलसी, इसके लिए भी मैंने कई वर्ड लिखवाया, ध्यान है, जेलस, ग्रीन आइड मॉन्स्टर याद आ गया, लिखवाया था जेलसी। ग्रीडी, रेपोसिस, रेपोसिटी अभी आया था, तो इसी से आगे आपका ग्रीडी, ग्रीड आया था अभी, तो ग्रीडी और एवरिसस का मतलब क्या, लालची, एवरिसस कहते हैं, ग्रीडी कहते हैं, या रेपसस कहते हैं, सिर्फ लालची, लालची। तो ये वर्ड देखिए, पहले जो वर्ड सारे लिख रखा है वो काम कर रहा है ना, काम करता है। नेक्स्ट वर्ड, इसलिए मैंने कहा था कि नोटबुक रखिए और सारे वर्ड जो करवाए सारे वर्ड को लिखते, जितने वर्ड्स में करवाते जा रहे उसको लिखते रहे, धीरे धीरे आपको क्या है, वर्ड्स जो आपने पहले लिख रखे हैं वो कभी एंटोनिम्स में काम आ जाएंगे, कभी सिनोनिम्स में काम आ जाएंगे, कभी ऑप्शन हटाने में काम आ जाएंगे। पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, ये वर्ड कई बार पूछा, वर्ड ऑप्शन में ज्यादा पूछता है। एक तो होता ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट। नॉट होपफुल, जिसको कि उम्मीद नहीं है, जिसको कोई आशा नहीं है, नॉट होपफुल, उम्मीद नहीं। अनसेटल, सेटल का मतलब तो कहीं निश्चिंत हो जाना, सेट हो जाना, तो अनसेटल मतलब जो सेटल नहीं है, जो कहीं पे स्थिर नहीं हुआ, अनसेटल। अस्थेटिक, ये वर्ड कई बार पूछा है, अस्थेटिक के लिए कई बार यूज करते हैं हम लोग, हर्मिट, सेंट, मॉन्क, अगर महिला है तो नन, महिला के लिए दूसरा वर्ड यूज करते हैं, अबेस, फीमेल के लिए दोनों वर्ड यूज करते हैं, और अगर मेल है तो उसके लिए वन वर्ड में कई बार आता है, बॉट कई बार यूज करते हैं हम लोग, फ्रायर, सबका मतलब क्या है, साधु या संत, कई बार यूज करते हैं हम लोग, सेज, ठीक है, कई बार यूज करते हैं हम लोग, हर्मिट, ये सारा क्या है, साधु या संत।
तो इसका मतलब जो काफी संयमित जीवन जीता है, काफी संयम के साथ जीवन जीता है। कितने वर्ड लिख दिए इधर? सेज, फ्रायर, हर्मिट, सेंट, मॉन्क, नन, अबेस, अबॉट, हर्मिट, ascetic, बहुत जो नियमित, बहुत संयम से जो जीवन जीता, अपने आप पर कंट्रोल करके जो जीता उसको कहते हैं ascetic। तो ये ascetic वर्ड का एकदम ध्यान रखना है। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब न्यूट्रल, अनबायस्ड, निष्पक्ष, जिसको किसी से लेना देना नहीं होता, किसी से कोई मतलब, न्यूट्रल रहता, अनबायस्ड, किसी की तरफ झुका नहीं हो। इम्पार्शियल, ये वर्ड भी कई बार एग्जाम में पूछा, तीनों का ध्यान रखना है, न्यूट्रल, अनबायस्ड, इम्पार्शियल। कई कई बार तो idiom पूछता ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस। अगर ऑन द फेंस आप लिख रहे हैं इसका मतलब आप किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, आप सीमा पर बैठकर मजे ले रहे हैं, इसको कहते हैं सिटिंग ऑन द फेंस, न्यूट्रल, जो इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो पेसिमिस्टिक का मतलब हो गया निराशा, निराशा, नो नॉट, किसका ऑप्शन क्या है, नॉट होपफुल, ऑप्शन क्या है डी, ऑप्शन क्या है डी, और हो गए 60। फिर काउंट कर लीजिएगा, हालांकि आज के वर्ड थोड़े से आसान आसान थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 80 से कम वर्ड्स हो गए, ज्यादा ही हो गए, 100 से ज्यादा तो हो गए मुझे ऐसा लगता है, फिर भी आप लोग काउंट कर दीजिएगा। और 4 क्लासेस में हमने डिस्कस किया है 60 वर्ड, और आपने खुद किसी, कई बच्चों ने कमेंट में लिखा है कि ऑन एन एवरेज हर क्लास में वर्ड 100-110 हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप 4 क्लासेस में 500 के आसपास वर्ड कर चुके हैं, सिर्फ 4 क्लास और 500 वर्ड्स, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, और बहुत काम का है, और ये वर्ड एग्जाम में बार बार होगा, इसलिए रामबाण की तरह काम करेगा। कम समय में वोकैब के लिए अच्छी तैयारी करने का ये क्लास आपको बेहतरीन मौका देगा। तो आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप भी क्लास देखें, वर्ड्स लिखें, और अपने दोस्तों को क्लास का लिंक शेयर करें। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना रखिए ख्याल। जय हिंद।